अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर फोर एंड डिस्कसिंग टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने uh, इंटर मालिकुलर फोर्स के इंट्रोडक्शन पर बात की थी लेकिन यहाँ दोबारा फिर भी उसको बता देते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लिंक हो सके इंटर मालिकुलर बेसिकली वीकर फोर्सेस होती हैं और ये गैसेज मालिक्यूल में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं क्योंकि उनके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है क्योंकि मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस ज़्यादा होती हैं डिस्टेंस मालिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होता है लेकिन ये फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉग होती हैं लिक्विड स्टेट में क्योंकि लिक्विड में इंटर मालिकुलर स्पेसिस जो हैं वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू द ग्लेशियर स्टेट सो दीज इंटर मालिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रोंगर दैन गैसेज इन द लिक्विड, बट इट इज दीज आर वेरी स्ट्रोंगर इन सॉलिड स्टेट अब सॉलिड स्टेट में की स्ट्रेंथ इतनी uh, क्यों ज़्यादा होती है क्योंकि इंटर मालिकुलर स्पेस जो है मालिक्यूल का वो बहुत ही कम होता है इसीलिए ऐसे तमाम सॉलिड्स जिन में क्योंकि तो सॉलिड्स में नॉर्मली इन जो फोर्सेस हैं इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हायर होती है इसी वजह से सॉलिड्स हैव ड्यू टू डेट रीजन द सॉलिड्स हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ द हायर स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर फोर्सेस अमंग द लिक्वर्ड्स द पर हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हायर होंगे रीजन क्या होगी उनके मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर फोर्सेस फोरसेस होंगी इन फोर्सेस को कलेक्टिवली वेंडर बॉल फोर्सेस कहा जाता है और ये तीन तरह की होती हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेज तीन टाइप्स की होती हैं डाइपल डाइपल इंट्रेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो हमारे सिलेबस में हम हाइन्थ ग्रेड में डाइपल डाइपल इंडक्शन पर कल बात कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आज बात करेंगे और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो हायर ग्रेड्स में आप इस बारे में पढ़ेंगे अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज the attractive force between the highly electron deficient hydrogen atom and highly electronegative atom with lone pair of electrons such as fluorine oxygen or nitrogen अपनी इस डेफिनेशन को से ये जाहिर होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो हमेशा आ, उसके लिए तीन कंडीशंस का होना ज़रूरी है एक तो हाईली डेफिशेंट हाइड्रोजन एटम का यानी एटम जो है वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मालिक्यूल बना रहा है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है यानी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है और दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉन जो एटम है हाइड्रोजन एटम उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अब जाहिर है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो अगर सेकेंड जो एटम है उस मालिक्यूल के अंदर जिसके साथ हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है इफ इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नतीजे के तौर पर हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आइन बन जाएगा यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा सेकेंडली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो या तो फ्लोरिन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और तीसरा जो हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी होना ज़रूरी है ये तीन कंडीशन जब होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होगी वो क्या क्या कंडीशन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हाइड्रोजन आयन होना ज़रूरी है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो विद इन द मालिक्यूल सेकेंडली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन तीनों में से फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई एक होगा और तीसरा इन तीनों में से जो भी होगा उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है और ये तीनों जो हैं हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सब के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इस मेचिंग की तरफ बढ़ते हैं मलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन आइटम इज बॉन्डेड थ्रू आ कोवलन बॉन्ड ट्रू आ वेरी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव मे बी फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज दस डिवेलप ऑन द हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज विद अदर एटम्स अब चूंकि जब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मालिक्यूल बनाएगा और कोवलन बॉन्ड के जरिए वो मालिक्यूल जब बनाने की कोशिश करता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि हाइड्रोजन ने जिस दूसरे एटम के साथ मालिक्यूल बनाया है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है और इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रो के डिफरेंस की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करने में दूसरा एटम कामयाब हो जाता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है इस चीज़ को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं हमारे पास यहाँ पे एक वाटर का मालिक्यूल है और फिर वाटर के ढेर सारे मालिक्यूल हैं पहले हम वाटर के अकेले मालिक्यूल की बात करते हैं जब कभी वाटर जो है ये मालिक्यूल जब बनाता है तो एक ऑक्सीजन है जो रेड कलर के सर्कल से शो है और दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के सिंगल कोबरन बॉन्ड के ज़रिए जो है वाटर का मालिक्यूल बनाते हैं लेकिन वाटर के मालिक्यूल जो हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो जुड़ते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अब एक वाटर के मालिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मालिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ मिल के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इस चीज़ को अब हम आ, साइन इंड चार्जेस की मदद से समझते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ अपीयर है जबकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ हमें नज़र आ रहा है ऊपर वाला जो मालिक्यूल है वो वाटर का मालिक्यूल है नीचे वाला भी वाटर का मालिक्यूल है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो एक वाटर मालिक्यूल का ऑक्सीजन साइड जो है विथ ने पार्शल नेगेटिव चार्ज दूसरे वाटर मालिक्यूल के पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे ये कैसा हुआ इसको दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मालिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो वाटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा अब पानी के ढेर सारे मालिक्यूल आपस में जोड़ के कैसे रहते पाफ्ता हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन तो जो पार्शियल पास नेगेटिव चार्ज के साथ एक जो वाटर मालिक्यूल है उसका ऑक्सीजन साइट दूसरे वाटर मालिक्यूल के हाइड्रोजन साइट के साथ अट्रैक्शन फील करेगा इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑक्सीजन के शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ दो सिंगल कोर बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन रिमेनिंग फोर इलेक्ट्रॉन टू पेयर्स की फॉर्म में इस वक्त जो है वो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे दे आर एक्ट एज आ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो अब इसीलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पर्ष, पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ दो मुख्तलिफ जो एटम हैं आ, अलग अलग सॉरी दो मुख्तलिफ जो मालिक्यूल हैं वाटर के वो आपस में जुड़ जाते हैं और यूँ वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है मज़ीद एक एक्वाफिगर से इसको मजीद हम क्लियर समझ सकते हैं या आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ऑक्सीजन दिया गया है वाइट कलर में हाइड्रोजन है हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो एक वाटर मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन साइट है दूसरे वाटर मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि हाइड्रोजन साइट है उसको आपस में अट्रैक्ट करता है और नतीजे के तौर पर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जर्नली हमें तीन कंपाउंड्स में प्रोमिनेट नजर आती है वाटर मालिक्यूल्स में अमोनिया मालिक्यूल्स में एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम इसके बाद एक्सप्लें करेंगे यह हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मालिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जुड़ा हुआ है और वो चार्ज डायपोल बना रहे हैं यानी कि यहाँ डायपोल कैसे बन रहा है एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिक्यूल में नेगेटिव साइड ऑफ द फ्लोरीन जो है क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव द हाइड्रोजन तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान जो सिंगल कोवन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और फ्लोरीन पेराफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज अपेयर हो जाता है और फ्लोरीन पेराफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो नेगेटिव चार्ज है साइड है फ्लोराइड साइड वो तो दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करती है अब यहाँ हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मालिक्यूल का वो आ, क्यों अट्रैक्शन फ़ील करेगा क्योंकि फ्लोरीन के पास इस वक्त आ, थ्री लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एक लोन पेयर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ जिसके नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है अब ये तो आ, हमने देखा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के मालिकूल आपस में कैसे जुड़ते हैं अगली डायग्राम में ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो रही है यहाँ इसको क्लियरली देख सकते हैं बॉयज़ कि हाइड्रोजन फ्लोराइड साइड का एक मालिक्यूल जो है उसका जो पॉजिटिव साइड है हाइड्रो पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन साइड वो दूसरे माल, दूसरे सेकेंड मालिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड के नेगेटिव साइड पार्शल नेगेटिव फ्लोराइड साइड को अट्रैक्ट करता है और नतीजे के तौर तोपे दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है जिससे uh, ये मालिक्यूल जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अमोनिया अमोनिया भी इसी तरह का केस है अमोनिया के मालिक्यूल को हम देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है कि अमोनिया अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसके पास फाइव इलेक्ट्रॉन है मोस्ट शेल में फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन, सेकंड में फ़ाइव इलेक्ट्रॉन है टोटल इसका एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो सेवन होता है तो सेकेंड शेल में जो फाइव इलेक्ट्रॉन उनमें से तीन इलेक्ट्रॉन तो सिंगल कोब्रेन बाउंड के ज़रिए तीन हाइड्रोजन एटम्स को होल्ड किया हुआ उन्होंने लेकिन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया के पास यहाँ पे मौजूद है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी दूसरे अमोनिया के पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन को ये शेयर करता है या इस चीज़ का ख्याल रखा जाए सिंगल कोवलेंट बांड जब नाइट्रोजन uh, हाइड्रोजन uh, के साथ बनाएगा अमोनिया में तो अमोनिया इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन जिसके नतीजे में क्या होगा कि नाइट्रोजन इट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा अब अमोनिया के मालिक बॉन्डिंग इन द अमोनिया अमोनिया भी इसी तरह का केस है अमोनिया के मालिक्यूल को हम देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है कि अमोनिया अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसके पास फाइव इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में फ़र्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड में फ़ाइव इलेक्ट्रॉन है टोटल इसका एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो सेवन होता है तो सेकंड शेल में जो फाइव इलेक्ट्रॉन उनमें से तीन इलेक्ट्रॉन तो सिंगल कोबर बॉन्ड के ज़रिए तीन हाइड्रोजन एटम्स को होल्ड किया हुआ उन्होंने लेकिन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया के पास यहाँ पे मौजूद है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी दूसरे अमोनिया के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को ये शेयर करता है या इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि आ, सिंगल कोबलेंट बांड जब आ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अमोनिया में तो अमोनिया इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन जिसके नतीजे में क्या होगा कि नाइट्रोजन इट गेट्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा अब अमोनिया के मालिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं एक अमोनिया मालिक्यूल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे अमोनिया मालिक्यूल में पाए जाने वाले किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और नतीजे के तौर पर अमोनिया के मालिक्यूल आपस में विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्यूज़ अप हो जाते हैं और एक अमोनिया जो है वो एट अ टाइम तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और अमोनिया के वैलेंस शेल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है आ, ये आ, इसके ज़रिए अब इन एग्ज़ाम्पल से आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अमोनिया में आ, वाटर में और हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैसे एग्जिस्ट करती है इसके एप्लीकेशन को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इसीलिए जब वाटर में अमोनिया को मिक्स किया जाता है अमोनिया गैस को तो नतीजे के तौर पर दोनों आप मिक्सअप क्यों हो जाते हैं कि दोनों के, के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है तो नाइट्रोजन जो है अमोनिया का वो वाटर के हाइड्रोजन आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है और ये एक बेसिक सोल्यूशन भी बनता है आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी किसी किस्म की कि कन्फ्यूजन के सिलसिले में आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं अल्लाफि